हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन फॉर स्मार्ट आंसर्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट के बारे में। 2019 में पावर ग्रिड की रिक्रूटमेंट आई है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक चाहिए, ठीक है। अच्छी यहाँ पर नोटिफिकेशन है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ऑल इंडिया जॉब है, फुल डिस्कशन करेंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे जॉब नोटिफिकेशन के लिए, एंड वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर देना ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या यहाँ पर फ्रेशर के बारे में बात करें तो फ्रेशर भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। सो गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो फील्ड इंजीनियर की पोस्ट होने वाली है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 28 मिलेंगे, जिसमें कि दो ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड सिविल ब्रांच यहाँ पर हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा दिया गया है, 22 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए और 6 पोस्ट यहाँ पर सिविल ब्रांच के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो फ्रेशर तो यहाँ पर एलिजिबल है, बट यहाँ पर जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं फिर एक्सपीरियंस का जो बेनिफिट्स है उनको मिलने वाला है। एक्सपीरियंस जो उनके पहले से इस फील्ड में उनको काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल तो लिख दिया गया है, पर यहाँ पर जब एक्सपीरियंस वाले आएंगे तो फ्रेशर को थोड़ा सा तो यहाँ पर साइड किया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो आपको पता है एक्सपीरियंस को ही मिलता है। तो फॉर्म आप फिल कर देना, अगर आप फ्रेशर भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है या फ्रेशर बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नीचे, अगर आ जाओ तो नीचे आप देख सकते हो, नीचे यहाँ पर दिया गया है अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो अक्रॉस ऑल इंडिया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे में सैलरी आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है, 30,000 से लेकर 1,20,000 आपकी सैलरी रहने वाली है पर मंथ, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। एक पावर ग्रिड में आपको पता है कि सैलरी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। उसके बाद और बात करें और यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन में दिया गया था, तो नोटिफिकेशन में एज लिमिट दिया गया है, आप देख सकते हो एज लिमिट बिलो 29 ईयर्स यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू फॉर द एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस वो यहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा तो आपको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, ओके। तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है अप्लाई लिंक, उस पर जाकर आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। और बात करें अगर इंटरव्यू की, तो दो लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, और कोई अदर लैंग्वेज में आप यहाँ पर इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपको हिंदी आनी चाहिए या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे और क्या दिया गया। आगे आप देख सकते हो फी जो लग रही है आपकी 400 रुपीज़ लग रही है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप UR से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट हो, तो ही आपकी ये फ़ी लगने वाली है। अदरवाइज़ आप देख सकते हो SC ST और फीमेल की भी फ़ी लगने वाली है OBC एंड UR की, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया फीमेल के बारे में कि यहाँ पर जो फीमेल है वो यहाँ पर फ्री में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन सिर्फ किया गया SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर मेंशन किया गया, जो कि फ्री में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर फ़ी नहीं लग रही इन लोगों की बात की जाए तो। और पेमेंट मोड आप देख सकते हो ऑनलाइन पेमेंट मोड है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट मोड है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है, इजीली आप यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। अप्लाई की बात करें तो अप्लाई लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पर ये लिंक बस 31 अक्टूबर तक ही एक्टिव है, ठीक है। तो इससे पहले आप फॉर्म फिल कर लेना, आज 29 अक्टूबर है, ठीक है, 2 दिन आपके पास टाइम है, जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना, लेट मत करना वरना आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। सो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर पावर ग्रिड की तरफ से है, रिक्रूटमेंट की तरफ से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जॉब अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे जॉब अपडेट मैं लाते रहता हूँ आप सभी के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।